Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. Hello, good morning. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के number one study channel Wi-Fi Study में. तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है, daily सुबह 5 बजे मंडे टू मंडे सुबह आपकी क्लास होती है, जिसके अंदर हम कवर अप करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन. उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे. आने वाले 6 महीने के अंदर बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं आपके, चाहे टीचिंग के हो, चाहे SSC हो, रेलवेज हो, UPSC हो, बहुत सारे एग्जाम है, बैंक के हो, सभी के अंदर ये करंट अफेयर आपको बहुत काम आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में. कल मैंने आपसे 2019 विश्व मलेरिया दिवस का विषय पूछा था. काफ़ी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आया, क्या था? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, यानी कि बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है. तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है. आप देख सकते हो 25 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है. अगला सवाल देखते हैं, नासा के रोबोटिक मार्स लैंडर का नाम क्या है जिसने पहला मार्स केक रिकॉर्ड किया? मार्स क्वेक जो होता है ना, जैसे कि अर्थ क्वेक होता है, वैसे मार्स के ऊपर आने वाला मार्स क्वेक होता है. तो नासा का एक रोबोटिक मार्स लैंडर था जिसने उसको ऑब्जर्व किया है, उसका नाम क्या है दोस्तों? इनसाइट. इनसाइट ने इसके बारे में पता किया है. ओके, तो नासा के रोबोटिक मार्स इनसाइट लैंडर ने पहली बार किसी संभावित भूकंप को दर्ज किया है. ओके, आगे देखते हैं. निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत का पहला ग्रीन कार ऋण लॉन्च किया है, यानी कि ग्रीन कार ऋण, ग्रीन कार लोन जो है वो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा दोस्तों? SBI के द्वारा, जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन कार ऋण जो है उसकी शुरुआत करी गई है. ओके, तो यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेते हो तभी आपको ये लोन जो है मिलेगा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है. और ब्याज दर भी इसके अंदर कम लग रही है. सिरिल अल्मेडा ने IPI के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो का नाम दिया, वह निम्नलिखित में से किस देश से बिलोंग करते हैं? IPI वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो किसको बताया गया दोस्तों? पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है सिरिल अल्मेडा, इनको नाम दिया गया है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो का खिताब है जो कि दिया गया है. तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है. आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने शुद्ध ग्रह पर पहला कृत्रिम गड्ढा बनाया है? एस्टेरॉयड के ऊपर जो है आर्टिफिशियल गड्ढा जो है बनाया है, किसने बनाया दोस्तों? चाइना ने भेजा था ना, चाइना ने इसलिए तो भेजा था. तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है. चाइना नहीं होगा दोस्तों, जापान होगा. जापान, जापान ने भेजा था, चाइना ने नहीं. तो जापान के साइंटिस्ट ने क्या किया है, फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल क्रेटर जो है एस्टेरॉयड के ऊपर बनाया है. हायाबुसा, दो नाम याद होगा आपको, ये हमने पढ़ा भी था. एक एक्सप्लोजिव डिवाइस यूज करके रियोग्यू जो एस्टेरॉयड है उसके ऊपर एक क्या करा है, सरफेस पे खड्डा करके वहां से मटेरियल लेके आएगा. ये निम्नलिखित में से कौन सी समिति RBI के लिए आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा करने के लिए बनाई गई है? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क फॉर RBI कौन सी बनाई गई है दोस्तों? हाई लेवल का एक पैनल बनाया गया है फॉर्मर RBI गवर्नर विमल जालान की अध्यक्षता के अंदर. ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे 2019 का टैगोर साहित्य पुरस्कार मिला है? टैगोर साहित्य पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है दोस्तों. रविन्द्रनाथ टैगोर का जो सेकेंड एडिशन है लिटरेचर प्राइज का, वो दिया गया है राणा दास गुप्ता जी को. उनकी 2010 की नोवल थी, उसका नाम था सोलो, ठीक है? $10,000 जो है इसके अंदर दिए गए हैं. ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आपका सही आंसर हो जाएगा. अप्रैल 2019 में कर्णम शेखर को निम्नलिखित में से किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो यहाँ पे देना बैंक के फॉर्मर एमडी है करण सिंह कर्णम सिंह, उनको एमडी बनाया गया है किसका और सीईओ बनाया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, चेन्नई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके ठीक है, और काफ़ी बड़ा बैंक है वैसे, पब्लिक सेक्टर बैंक है, और इसकी जो शुरुआत है वो 1937 के अंदर इसकी शुरुआत करी गई थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सेशल्स में भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारे फॉर्मर जो चीफ थे हमारे आर्मी के दलबीर सिंह जी, उनको अपॉइंट किया गया है सेशल्स के अंदर। सेशल्स की कैपिटल है क्या बोलते हैं विक्टोरिया, और वहाँ पे करेंसी क्या चलती है, रुपी, सेशल्स रुपी है जो कि वहाँ पे करेंसी चलती है। ओके 115 से ज़्यादा के आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन के अंदर, वो मिलकर जो है वो सेशल्स बनते हैं। 2016 तक आर्मी के चीफ थे। अप्रैल 2019 में WHO ने डैश से कम उम्र के बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधि, गतिहीन व्यवहार और नींद पर निर्देश जारी करे हैं। तो कितने कम से कम जो बच्चे हैं उनके लिए गाइडलाइन जारी करी है दोस्तों, ये करी गई है 5 साल से कम एज के बच्चों के लिए, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो भविष्य में जाके। तो गाइडलाइन जारी करी गई है कि भाई उनको इतनी देर तक बैठे नहीं रहे देना, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करवानी है, इन सब चीज़ों को लेकर। क्वेश्चन नंबर डे देखते हैं, दिव्य काकरण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। दिव्य काकरण दोस्तों, ये थे आज के आप सवाल। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरीके से पढ़ते रहे। आज है सैटरडे, तो सैटरडे को सुबह 8 बजे क्लास होती है अपनी करंट अफेयर, तो ज्वाइन जरूर करेगा। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।